अस्सलाम वालेकुम, मैं कुबरा खान। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू स्टार प्लेयर। नाज़रीन, आज के 1 करोड़ रुपए रखे हैं इन 26 में से किसी एक बैग में, लेकिन ये पैसे किस बैग में है ये किसी को नहीं पता। अलबत्ता अगरचे हमारा स्टार प्लेयर आज यहाँ पर आकर कोई तारीख रकम कर दे तो वो और बात है, क्या पता आज 1 करोड़ रुपए जाना यहाँ पर मुकद्दर में लिख दिया गया हो, क्योंकि अभी तक का हाईएस्ट प्राइस जो यहाँ से जीता जा चुका है वो है 75 लाख। तो अब आज के स्टार प्लेयर को हम वेलकम करते हैं, जो कि उसी प्रोसेस से होकर आए हैं जिससे सारे स्टार प्लेयर आते हैं, और वो प्रोसेस एक ही है जो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने खरीदना है बोल वाला स्क्रैच कार्ड, उसे लोड करना है, उसका नंबर आ जाएगा हमारे पास, और कंप्यूटर पे जब कुरानदाजी होगी उसमें जिसे सिलेक्ट किया जाएगा वही बनेगा हमारा स्टार प्लेयर। और इस प्रोसेस से गुजर के आज यहां पर मौजूद है उस्मान। प्लीज वेलकम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आपके नाम से एक बंदा लाहौर में घूम रहा है सीएम बनके, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मेरे नाम से ही घूम रहा है। आपके नाम से ही घूम रहा है, बस आगे बुजदार लगा हुआ है। आप अपने बारे में कुछ बताइए उस्मान, क्या करते हैं? मैं फिल वक्त तो स्टडी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम टीचिंग भी कर रहा हूँ। टीचिंग भी कर रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा? मैंने आईटी का डिप्लोमा किया फर्स्ट। आईटी का डिप्लोमा, वेरी गुड। और मास कम्युनिकेशन में मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, अभी तक एडमिशन नहीं लिया? नहीं, मेरा प्लान है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास, एनईडी से या कराची यूनिवर्सिटी से मास में, मास कम्युनिकेशन में अपना एडमिशन करवाऊं। अच्छा। और साथ में मैं टीचिंग करता हूं शाम के टाइम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर की फील्ड्स वगैरह। अच्छा, वेरी गुड। तो मास कम्युनिकेशन ही क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही इस फील्ड में, जैसे कि आपकी फील्ड है ये पूरी मीडिया साइंस वगैरह, पूरी मीडिया की फील्ड इसी फील्ड में, जी इसी फील्ड में। आईटी विजन क्या है, मतलब कंटेंट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? नहीं नहीं, मेरा विजन, मेरा बेसिकली जो सीखना चाह रहे हैं, किस लिए आप मास कम्युनिकेशन में जाना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरा बेसिकली जो मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपकी जो बैकग्राउंड में जो पूरा कंट्रोल नहीं करते आपके प्रोग्राम को, आपकी पूरी स्टेज को, प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के क्या करेंगे उस्मान? दो प्लान है, दोनों बता दें अगर बताने लायक है तो। नहीं नहीं, दोनों बताने लायक है, ऑन ईयर कर सकते हैं आप। पहला प्लान तो ये, जैसे आपको बताया कि आईटी में मेरा इंटरेस्ट है, अगर आईटी की फील्ड में कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती तो अपना इंस्टीट्यूट बनाऊं। अपना इंस्टीट्यूट बनाएंगे, वेरी गुड। और दूसरा ये कि मेरे एक दोस्त मेरे साथ आए हैं, मोहम्मद फरीद आए जो फर्स्ट पे बैठे हुए। अच्छा, कैफ वाले। अच्छा, ये बर्ड्स का बिजनेस करते हैं अपना। अच्छा, जैसे मकाओ, स्पेशलिटी क्या है? मकाओ, मकाओ, मकाओ तो होता हो गया, और उसके बाद कबूतरों के फैंसी कबूतर होते हैं, आपने अगर देखे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं भाई। वो वाले कौन से मशहूर है? शिकारपुरी मशहूर है, कौन से मशहूर है कबूतर? कोई लका तो गानों में ही मशहूर हुआ है यार, वो तो हमने गानों में भी सुना है। कोई और होता है ना शिकारी कबूतर होते हैं? कोई पहाड़ी। अच्छा, चले तो मैं इनके साथ अपना ना पार्टनरशिप करूंगा। अगर मैं 1 करोड़ जीत गया तो मैं ऑब्वियसली इनके साथ अपनी पार्टनरशिप जरूर करूंगा। अल्लाह करे कि आप यहाँ से अच्छे पैसे जीत जाएं और उसकी चिड़िया खरीदें और उनके अंडे निकलें और वो जवान हो और उन जवानों के भी अंडे निकलें और आप इस तरीके से कामयाब हो जाएं, ये हमारी दुआ है। देखो हम भी लड़खड़ा गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके वजूद से हमारी कायनात में रंग है, प्लीज वेलकम हमारी स्पेशल 26 लड़कियां। और अब हम जानते हैं आपके साथ कौन कौन आया हुआ है। चलें आए, अब मिलवाएं। मेरे 4 दोस्त आए हैं, बहुत अजीज, 4 दोस्त खुश नसीब मेरी लाइफ के पार्टनर। खुश नसीब वो हैं या आप हैं? हम सब भी हैं एक दूसरे के। नहीं, मतलब पता तो होना चाहिए ना भाई, ये उनकी खुश नसीबी है कि आप उनके दोस्त हैं, ये आपकी खुश नसीबी है। अब ये आप, अगर आप उनका उनसे पूछें तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। मेरे लिए तो खुश नसीबी है। आपके लिए आप खुश नसीब है? हाँ, मैं खुश नसीब कि वो आपके दोस्त हैं। जी, मेरे खत्म हो गई बात। हाँ भाई, आप बताएं क्या नाम है आपका भाईजान? माय नेम इज मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद जी। अच्छा, फरीद भाई उर्फ चिड़ियों वाले? चिड़ियों वाले उर्फ लक्का कबूतर, ऐसे ही समझ लें। अच्छा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड, जस्ट जबरदस्त। साथ में कौन है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अच्छा आरिफ भाई, आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। आप भी स्टडी कर रहे हो? आप लोग सारे स्टडी करते हैं, सारे दोस्त हैं। आपको हम बताते हैं खेल के रूल बहुत ही तेजी के साथ, और इस स्क्रीन पे जो कि आपके पीछे है
यहाँ पर 26 डब्बे बने हुए हैं जो कि यहाँ रखे हैं। इनमें 500 रुपए से लेके 1 करोड़ तक की रकम मौजूद है उस्मान, और इन्हीं हिंसों में डिवाइड की हुई है। सबसे पहले आपने वो बैग चूज करना है जिसमें अभी आपको लग रहा है 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच जाएंगे 25 बैग जो कि हम राउंड्स की सूरत में खुलवाएंगे, और हर राउंड में जितने भी बैग्स खुलने वाले होंगे वो मैं आपको राउंड से पहले बता दूंगा। राउंड के बाद इस फोन पर बैंकर की एक डील ऑफर की जाएगी। आपको लगे आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, डील करो, घर जाओ। अगर आपको लगे डील का अमाउंट कम है, यहां से ज्यादा पैसे जीत सकते हो, नो डील करके गेम कंटिन्यू करो। आपको जब भी ऐसा लगे आपके बैग में 1 करोड़ रुपए नहीं है, वहां रखे हुए किसी बैग में, आप एक्सचेंज कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल, आप सबसे पहला काम सबसे पहले करेंगे, बताइए आपका लकी बैग कौन सा होगा और क्यों। थोड़ा सा मूव होके देख सकता हूँ। हाँ, पूरा मूव हो जाए, पूरा मूव हो जाए, पूरा मूव हो जाए, आराम से गोल चक्कर लगा कर आया। थोड़ा सोच भी लूँ, जितना सोचना है सोचे। बड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने वैसे। अभी तो भाई पहला बैग चूज करना है, 1 करोड़ भी तो, 1 करोड़ भी तो उसी में होगा ना। अभी किस में लग रहा है सोचो। अभी तो मुझे 21 में, 21 में लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए हैं। उसी में तो है, तभी तो उसी में बस, तो मैं नंबर 21 तक पहुंचाई है। बहुत सारी तालियों में नंबर 21 आपके मुताबिक 1 करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं, आ चुके हैं और आ चुके हैं। और फिर एक काम करते हैं ना, 1 करोड़ रुपए अगर आ चुके हैं तो बकाया सारे बैग्स, थैंक यू, हम खुलवा देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, ये ख्याल सही नहीं है। क्यों, आ तो गए, ये मैं पहले खोल के चेक कर लूं, उसके बाद आपको बता। आप खोल लें, फिर जो इस बैग में होगा वो आपका ले जाए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही तो होगा। नहीं, अगर आप खोलें तो फिर मैं, फिर मेरी भाई आसान कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, मैं कह रहा हूँ ये रखें बैग, बाकी सारे बैग एक साथ खुलवाएं, टाइम भी हमारा पूरा बच जाएगा, आराम से मजे से। दूसरे कंटेस्टेंट अगर 1 करोड़ ना हुआ तो, आपने तो बोला 1 करोड़ है। नहीं, मुझे तो लगता है ना 1 करोड़ है, फिर आप क्यों एक साथ खुलवा रहे हैं? तो आपको ही तो लग रहा है, तो मैंने इसलिए अपने पास रख लिया ना, एक एक खुलवा। अच्छा, आप एक एक राउंड खुलवाएंगे, कर सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, यानी आपको डाउट है कि उसमें 1 करोड़ नहीं है? नहीं, डाउट नहीं है। हाँ। इतना डाउट नहीं है। अच्छा, मतलब कि जैसे ही मैं कबूतर का बिजनेस करना चाह रहे हैं आप? नहीं, आईटी का करना चाह रहा हूं। आईटी के बाद कबूतर? हाँ। एक कबूतर एक वक्त में कितने अंडे देता है? दोनों साथ में। एक कबूतर एक वक्त में कितने अंडे देता है? एक ही देगा। एक भी नहीं, कबूतरी देती है। अरे बताइए, इस राउंड में खुलेंगे 6 बैग्स। ये हमने आपका मूड जो है ना वो थोड़ा सा चिल कर दिया। इस राउंड में 6 बैग्स खुलेंगे उस्मान, आराम से खेलें, रिलैक्स होके खेलें। पहला बैग कौन सा होगा मुझे ये बता। एक एक करके आराम से चिल करें, कोई टेंशन नहीं, सोच समझ के दोस्तों से मशवरा करके। जितनी देर पूछना है पूछे, हमारा टाइम खत्म हो गया, हम कल भी आपके साथ खेलेंगे। चलें, सही हाँ, फिक्र ना ले, बताए पूछे। फरीद भाई बताओ। 5 उठा लो उस्मान भाई। 5 नहीं, ऐसे उठाने का काम होता नहीं है ना यहाँ, हम थोड़े उठाई गिरे टाइप के नहीं है। या फिर पहले देख लो, चेक कर लो। आप माइक आ गए तो आपकी एडवाइस मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, इनको कबूतर अंडे गिनने दो। बताया आरिफ भाई, जल्दी से बता दो, टाइम भी नहीं है। पहला बैग है, जल्दी से बता दें। आगे 26 पूरे हैं। नहीं, एक तो मैंने रख लिया, बाकी 25 है। 25 मैं तो कह रहा हूँ 8 नंबर उठा दो। अच्छा, 2 मिनट लगेंगे, दोनों को लग ही रहे, कोई बता भी। 2 मिनट की बात है, चलिए पहले चेक कर। सब आएंगे, आप सबको उठवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चेक कर बैग, खुलवाएं। ठीक है ना, 8 नंबर खुलवा लें फिर। हाँ, अरे उठवाने की बात होगी ना, 2 मिनट का काम है, कोई टेंशन नहीं है। और उठा के ऐसी जगह पहुंचाएंगे किसी को नहीं मिलेंगे। 1 मिनट सर, फिक्र रहे हैं। इन सब को छोड़ें। हाँ, हमारे पास है एक बंगाली बाबा। हाँ, लेते एडवाइस हम उन्हीं से। लीजिए, इनसे मैंने गलत एडवाइस ले ली थी। चलें भाई, बताएं भाई। फयाज हुसैन साहब। फयाज हुसैन 3 नंबर। 3 नंबर ले लिया उन्होंने, फौरन 3 नंबर। बंगाली बाबा 3 नंबर पक्का? मेरा लकी नंबर। आपका लकी नंबर मैं क्या करूंगा? आप खुलवा के देखें, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। बंगाली बाबा से सजेशन सबको छोड़ते हैं, अपनी मर्जी करता हूँ, गेम मेरी मैं खेलता हूँ। जो दिल में आए करो उस्मान साहब, आप आपकी गेम है, अपनी मर्जी से खोलो। चले फिर मैं खेलता हूँ 25 पे मैं जाता हूँ। 25 जी, नंबर 25 प्लीज ओपन। करोड़ नहीं होगी? करोड़ तो यहाँ है। 500, वेरी गुड। चेक करो भाई को, एडवाइस तो देनी चाहिए। एडवाइस ले लो, लेकिन इतना याद रखना, 1 घंटा नहीं गया ना, कल का दिन लगेगा। नहीं नहीं जुनैद भाई, जल्दी से 15 नंबर। अरे तुम लोग ऐसे सुस्ती से बता रहे हो, तुमसे बेहतर तो मैं हूं। 15 नंबर खोल दे और क्या बताए, डांस करके बताए भाई। नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बता तो दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताए ना मुझे, मुझे भी मानना सर, किसी की नहीं खुलवाना, अपना बैग है, वो कॉन्फिडेंस लाए। इतने लोगों ने कॉन्फिडेंस से तुम्हें बताया, तुमने कहा नहीं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी देखें, 500 निकाला तो खोलो अपनी मर्जी से, फिर क्यों सुन रहे हो उनकी। उसी के साथ वाला अगर खुलवा लें, खुलवा लो 26 24, हाथ रखें 26 पे और खोल दें। खुलवा दो, खोल दें।
ठीक, नंबर 26 प्लीज खोलिए। ₹35 लाख। फरीद भाई? हाँ फरीद भाई, क्या कर? दूसरे में चेक करो, दूसरा खुलवाओ। चेक नहीं करना, बताना है आपने। खुलवा लो या पहले चेक करके आ जाओ। डायरेक्ट खुलवा लो। डायरेक्ट खुलवा। 35 लाख तो निकल गया। 1 करोड़ है, 70 लाख है, 60 लाख है, सही बोल रहा हूँ ना सर? बहुत है। इतना भी मिल गया? 50 भी है, 40 भी है, 30 भी है। नंबर दो? हाँ, नंबर दो पे देखते हैं क्या होता है। नंबर दो सर, खुलवा लो। नंबर टू, ओपन इट। 5,000। अब रह गए इस राउंड के 3 बैच, चौथा बैच कौन सा होगा उसमें? दोस्तों दोस्त मशवरा अच्छा दे रहे हैं वैसे। भाई इनसे ही मशवरा करना चाहिए मुझे। यार ये सारे बॉक्स मुझे वैसे नजर नहीं आ रहे। खड़े होके देख लो। नंबर थ्री। तीन लाइन से वन बाय वन। आरिफ भाई आप क्या बोलते हो? तीन ही ठीक है। और आप? तीन ही खुलवा दे। तीन के साथ जो बेहतर है। तीन दोस्त तीन के साथ जा रहे हैं तो मैं चौथा भी तीन के साथ ही जाऊंगा। अच्छा, तीन नंबर ओपन। तीन खुलवा दो। खुलवा दो भाई, आपकी मेहरबानी। नंबर थ्री प्लीज ओपन इट। 6 लाख। ये 35 लाख खुलवाने से पहले उन्होंने कहा था आपके बकौल आपके बंगाली बाबा ने कि नंबर थ्री खुलवा लो, आपने नहीं खुलवाया। अब रह गए 2 बैग इस राउंड के, बताइए कौन सा खुलेगा। जल्दी से जुनेद भाई यहाँ भी बता दोगे। 22 नंबर खोल दे। फरीद भाई माइक में बताए। अरे वन बाय वन चल, वन बाय वन लकी नंबर चल रहा है। नंबर फोर चेक करो। नंबर फोर उस्मान खोलो। वन बाय वन चलते हैं। हाँ वन बाय वन ट्राई करो, किस्मत अभी तक तो चल रही है साथ। अब देखो नंबर फोर ही सर, डन। नंबर फोर ओपन। ख्याल से 1 लाख। वेरी गुड, अच्छा चल रहा है वैसे। बहुत अच्छा चल रहा है आपका टोटका। आपका नंबर फाइव खुलेगा। क्लैपिंग उनके लिए मैं कर देता हूँ। हाँ कर दे। नंबर फाइव खुलेगा। थैंक यू सो मच। अब नंबर 5 खुलवाऊं क्या? अभी 5 नहीं, अभी 7। अच्छा लाइन से नहीं चलना है। अब लाइन छोड़ देते हैं। अब थोड़ा गैप देना चाहिए। लालच बुरी बला है वाकई। अब मैं बताता हूं। एक मिनट अब मैं बताता हूं। अब मैं बताता हूं। नंबर 12। नंबर 12 ओपन। 10 लाख रुपए चले गए। नॉट बैड। मतलब ये राउंड हो गया आपका पूरा। शायद अपनी नहीं किया करो यार। 35 भी निकल गया, 10 भी निकल गया। नहीं बड़े अमाउंट तो सारे पड़े हुए ना सर। सारे पड़े हुए भाई। 70 लाख, 75 लाख, 60 लाख, 50 लाख सारे अमाउंट पड़े हुए। ये छोटे निकालने तो बड़ा लेना है ना हमने। और 1 करोड़ तुम्हारे पास। 1 करोड़ आपके पास। नंबर 16। बाकी सारे अमाउंट इधर है। एक राउंड पूरा हो गया। और अच्छा खेला हमने काफी। अब लगाते हैं जरा हम चार्ट, उस पे देख लेते हैं आपने कैसा खेला। अच्छा खेला यार, 35 लाख रुपए तो गए। वेरी गुड। अभी सारे बड़े अमाउंट पड़े हैं। सारे बड़े अमाउंट पड़े, 40, 50, 60, 75, 1 करोड़ सब पड़ा है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप वाकई। अभी बैंकर की ऑफर लेते हैं, ऑफर आपको लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप क्या डिसाइड करते हैं। हेलो ओके उस्मान साहब। जी सर, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से, ऐसा बैंकर को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है आप बहुत सारे पैसे ले जाएंगे। बैंकर का कहना है कि आप ज़्यादा पैसे नहीं ले जा सकते, तो जरा हाजिर आइए। 18 लाख रुपए अभी लें और गेम छोड़ दें। बस 18। आपको लगता है मैं ज़्यादा लेके जा सकता? मुझे लगता है ज़्यादा ले जा सकते हैं। बैंकर को फिर क्यों ऐसा लगता है कि मैंने ले लिया? अपनी मर्जी, पैसे उसने देने। खेल भी अच्छा रहे। नहीं डील नहीं चाहिए। ना ले, डब्बा बंद कर दे। ओके, इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस राउंड में खुलेंगे आपके 5 बैग। 2 बैग एक साथ खुलेंगे, बताइए कौन से? एक साथ दोनों। ये तो मुश्किल फैसला। यही तो, आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी जब जब आप डील को नो डील में तब्दील करेंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। नंबर 6 एंड नंबर 9। फरीद भाई, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, नंबर 6 और नंबर 9, आप क्या बोल रहे हैं? नंबर 6 और नंबर 7। और आरिफ भाई? 6, 7। मेरे ख्याल से नंबर 6 एंड नंबर 14।
6 और 14 ये खुलवाना चाहिए। फैजी भाई इसने भलाई है हमारी। नंबर 6 खुलवा दे और 22 6 और 20 नंबर 6 को सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं अगला नंबर जो है वो बड़ा। फैजी भाई आप बताओ, कर दूं 6 कर लूं 6 14 6 और 6 14। मतलब दो लोग कह रहे हैं 6 और 14 और मैं बोल रहा हूँ 6 और 9 6 और 14 सही, 6 और 14 सही है। ओके तो देखते हैं नंबर 14 में क्या है जिसपे आपके दोस्त मुत्तफिक हैं। नंबर 14 प्लीज ओपन इट। दोस्तों की खातर बोला बस। 10,000 क्या बात है, दोस्त काम आ रहे मेरे बेहतरीन तरीके से। अब बजर बज चुका है और आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान स्टार के जजेस में से एक जज मौजूद है। आपको क्या लगता है कौन है? कुबरा खान हो जाए। हसरते ही हसरते हैं और क्या है, क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द रॉक स्टार उमैर जसवाल। हमारे साथ खेल रहे हैं आज और बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ये चाह रहे थे कि कुबरा आए लेकिन आप नहीं। ये भी अच्छे हैं, फैन तो है ठीक है लेकिन मैंने कहा रियलिटी जरा बता दो। जब मैंने क्या चल रहा है, कहाँ पहुंचे अभी आपको दिखाते हैं। चार्ट लगाइए भाई जरा। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, 18 लाख की ऑफर आ चुकी है, 40, 50, 60 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ सब इनके पास है। अच्छा, तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है मेरे पास है। अच्छा जी हाँ, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आपके आने से पहले इन्होंने एक बैग चूज कर लिया था, वो मैं खुलवा देता हूँ। अच्छा। उसके बाद जो है वो फिर गेम में इन हो। वैसे भी सर आ गए तो इनसे एडवाइस लेके चेंज कर देंगे एडवाइस। अभी तो जो लॉक हो गया है वो खुलवा देते हैं। अगला बैग फिर आप इनसे पूछ लीजिएगा ठीक है। नंबर 9 प्लीज ओपन। एक मिनट, 9 तो था ही नहीं ना, 9 था 6 था भाई, यही तो कंफर्म कर रहा था। नंबर 6 प्लीज ओपन। 20 लाख रुपए चले गए लेकिन कोई बात, नो डाउट। हाँ हाँ अच्छा है, 1 करोड़ हमारे पास पड़ा है। बड़ा खेल, बड़ा बड़ी है, काम भी बड़ा है, बड़ी रकम हमारे पास है। बड़ी रकम हमारे पास है और बहुत बड़ी रकम हमारे पास और सेलिब्रिटीज भी हमारी आ चुकी हैं। अच्छा गाइड करेंगे, बिल्कुल गाइड करेंगे। तो अगला बैग पूछ लेते हैं फिर उमैर। बिल्कुल, आर यू रेडी? जी, लेट्स डू दिस। तो बताइए कौन सा होगा आपका सबसे कम रकम वाला। 1,000, 20,000, 25,000, 50,000, 75,000 इनमें से कोई एक अमाउंट निकलवा दे और ज्यादा फैन हो जाए आप मेरे दोस्त भी। चले यार कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक वो जो कोने में है ना, नंबर 19 ये खुलवाते हैं। नंबर 19 खुलवा दो सर ने बोला, ऑब्वियसली खुलवा दो ना। नंबर 19 प्लीज ओपन इट। 5 लाख, वेरी गुड। अच्छा अब रह गए हमारे पास दो बैग्स इस राउंड के। बिल्कुल, अगर ये दो बैग्स आप कम अमाउंट के खुलवा देते हैं तो बैंकर की ऑफर बढ़ेगी, अच्छी आएगी। हो सकता है अभी बैंकर ने कितना कर दिया, अभी तो 18 लाख पहली ऑफर थी 18 लाख की। अब ये दो बैग्स अगर बड़ा अमाउंट नहीं निकलता ऑफर अच्छी आएगी। सोच समझ के आपने बताने हैं मुझे, एक एक करके दोनों बैग्स आप बताएंगे। उमैर से हम इसलिए नहीं पूछ रहे ताकि वो थोड़ा गेम में चैलेंज। फरीद भाई पहला नंबर आपके ही, डिसाइड आप ही करेंगे पहला वाला। नंबर 5। ओके फेजी भाई अब आप बताओ। नंबर 22 और नंबर 5 आरिफ भाई आप कहोगे मेरे ख्याल से नंबर 15। सभी चेंज बोल रहे हैं इस बार। 5 22 15 दो खुलवाने एक खुलवा लो। इस राउंड का एक ही है, दो बाकी हैं। इस राउंड के दो बैग बाकी हैं। याद बता दो, बात खुलवा लो। 22 ही खुलवा दे। 22, ओके। 22 और आपने क्या बताया था? 15. 22 और 15 भी खुलवा सकते हैं। 22 और 5 भी खुलवा सकते हैं। 5 खुलवा दूं? 5 खुलवा दो। वो कह रहे हैं? खुलवा दो 5। दो खुलवाने ना? दोनों एक साथ बताओगे? एक एक करके पहले 5 खुलवा उस्मान। आप क्या बोल रहे हैं सर? ये अभी नहीं बताया। 60 लाख रुपए और फरीद भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट।
ये जो जितना निकलवा रहे ना सब इनके ऊपर डालो। अगला बैग, अगला बैग जुनेद भाई, जुनेद भाई बताएं। मेरा ख्याल ले ले, यही ले ले 22। कब से ही बोल रहा हूँ, वही खुलवा दे। कब से बोल रहे हैं? अरे तुम्हारी बात पर डन करूंगा भाई की बात मान लो यार, कुछ तो सुनो इसकी। 22 ठीक है सर, देख लें 22 से कौन। नहीं नहीं सर ने तो अभी आईडिया नहीं दिया, अभी नहीं बता। नहीं सर ने तो एक्सप्रेशन रुकवा दिए, मैंने आपको हिंट दिया, एक हिंट दिया था कोने पे नहीं जाना, वैसे कोने पे 22 उस्मान को नहीं जाया। 22 खुलवा दो फरीद भाई, 22 हो गया फाइनल। सबकी तरफ से 22, ये मेरी तरफ से हो गया, आपकी तरफ से भी हो गया। अब खुलेगा नंबर 22 जो के लॉक कर दिया हमने। प्लीज ओपन इट। 1 करोड़ रुपए गए। ये दोस्त कहां से लाए हो भाई? वैसे मैं आपका हिंट समझ नहीं पाया, आपने बोला भी था ये दोस्त कहां से लाए। 1 करोड़ रुपए मैं हिंट्स पे हिंट्स दे रहा हूं, समझो गेम को। 1 करोड़ रुपए उस्मान साहब मुझे अलाउ नहीं किया इन लोगों ने। नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगले राउंड में उन्होंने दो बैच दिए ना। चारों दोस्तों ने देखे स्माइल भी पास। मुझे एक बात बताओ फरीद साहब, जरा माइक लो, फरीद भाई को माइक दो। फरीद भाई 60 लाख रुपए निकलवाए, आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आपका लक काम नहीं कर रहा? 500 भी तो निकलवाया। 500 आपने कब निकलवाया? भाई कब से कह रहे हैं 1 करोड़ रखा हुआ है, तो मुझे लगा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मान भाई कह रहे हैं, तो मुझे लगा रखा होगा। आपने अभी अभी 60 लाख रुपए इसका हर्जाना आपको पता है कैसे भुगतना है? आगे आप एक बैग भी नहीं बताओगे, एक भी नहीं बताओगे। 60 लाख और 1 करोड़ रुपए आप निकलवा चुके हो, अब 75 लाख रुपए तो रहने दो यार इसके पास, कुछ तो खेलने दे यार इसको। तो वो भी निकल जाएगा तो क्या बचेगा यार? कैसे हो गई यार 1 करोड़ रुपए कमाने में? एक मिनट रुके, हम बैंकर को रोकते हैं। 1 करोड़ रुपए जमा करने में आपको कितना टाइम लगेगा बताएं फरीद भाई? जॉब तो अभी मैं करता नहीं हूं, तो मैं नहीं करेंगे अगर जॉब तो कितना काम तो कर रहे हैं ना अपना। 1 करोड़ रुपए को आप लोग मजाक समझ रहे हैं यार? 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? 4 या 5 माइक में 4-5 साल कम से कम। 5 साल में आप कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं एक झटके में आपको मिल, एक झटके में 1 करोड़ ले भी सकता था, एक झटके में आपको 1 करोड़ मिल सकते थे, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किस तरीके से दोस्ती यारी में तफरी में खेला है। 1 करोड़ रुपए सोचे पता है, जरा सोचे गेम को और इंटरेस्टिंग दे रहे हैं आप लोग। सर को थोड़ा समझो के मैंने हिंट दिया, मैंने हिंट दिया कोने में नहीं खेलना। सर आप करें, मैं कब से हेल्प कर रहा हूँ आपको? हमने मैं यही तो बता रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हैं। मैं उस्मान सर से थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी बहुत हिंट तो दें तकरीबन फ्रेंड। नहीं हाँ उमेर सर बिल्कुल देंगे आपको, उस्मान को आपसे हो गया हमारा तो खराब था लग, वो तो हो गया भाई हिंट मिलेगा। चलो कोशिश करते हैं, ये राउंड खुल रहा है, हिंट चाहिए ना, हिंट चाहिए ना बिल्कुल। अब बैंकर की ऑफर अगर आप नहीं लेते, अगला राउंड आने वाला है 4 बैग्स का, 4 में से 3 बैग उमेर से खुलवाऊंगा मैं, सही बस अगर आप ऑफर नहीं लेते तो ठीक है। ऑफर बढ़िया है इतने, लेकिन यार गेम में 1 करोड़ रुपए किसी की जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी बना सकते हैं, बना सकते हैं। आपने क्या किया, 75 लाख रुपए हैं, खुदारा सीरियसली खेलो यार, इस चीज को संजीदा लो। 1 करोड़ रुपए में फरीद भाई कितने तोते आ जाते हैं कैलकुलेट करें? हेलो बैंकर कौन चलने ओके 18 लाख आपको पहली ऑफर दी गई थी उस्मान साहब, अब दी जा रही है 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए अगर समझ में आ रहे हैं डील करें जाएंगे, क्या कहते हो? चार्ट लगा देते हैं एक बार ताकि दोस्तों को भी नजर आ जाए कि क्या क्या रह गया है गेम में, वो भी अपना मशवरा दे सके। अच्छा 23 लाख से ऊपर आपके पास है 5 बैग जिसमें 75 लाख रुपए भी हैं। टेक्निकली हमें ऐसा लगता है 35 लाख भी गवा दिया, 60 भी गया, 1 करोड़ भी गया, 75 भी है, 60 भी है, 50 भी है, 40 भी है भाई, 40 है, 50 है, 75 है, 30 है, 25 है, ये 5 मैक्सिमम 50 रह गया, अब 75 रह गया ना मैक्सिमम, 75 तो फिर इसमें आ ही गया 100%। अल्लाह करे हमारी दुआ है भाई कि अल्लाह करे 75 तो इसमें ही है, हां कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है फिर इंशाल्लाह। 1 करोड़ भी इसी में था, क्या लेना है, डील लेनी है, डील और नो डील? तो डील निकल गया, डील या नो डील? माइक में जो बोलेगा माइक में, आवाज नहीं आएगी वरना। कंटिन्यू करो यार, आप कुछ लेके भी तो नहीं आए थे? नहीं कुछ लेके नहीं आए तो कुछ लेके भी नहीं जाएगा, कुछ लेके शो में आया, दुनिया में थोड़ी आया है कि क्या लाए थे क्या ले जाओगे।
वो नहीं होता तोते उड़ जाना। बिल्कुल इनके भी उड़, उनका बिजनेस ही तोते का है। तोते उड़ा रहे मेरे, तोते उड़ा दिए। हाल ऐसी दे रहा है लड़का के भाई, दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे भाई, शो में आयो खाली हाथ तो यहाँ से तो ले जाओ। फरीद भाई आपके तोते उड़ते मेरे नहीं ज्यादा, 40-45 75 तो भी पड़ा है, 23 तो बहुत कम है। इंशाल्लाह फरीद भाई वो भी निकलवा देंगे। बैंकर की डील 75 लाख अगर इनसे तुमने पूछा, बैंकर 23 लाख रुपए है, मेरा मशवरा है ना लो गेम खेल। फरीद भाई अच्छा खेल रहा है, फरीद भाई कितने अच्छे दोस्त, कंटिन्यू करो। सबसे अच्छे यही है टॉप पे, तभी तो बैठे हैं बार बार। अच्छा लगता फिर कुछ उमर आपको क्या लगता है, इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए यार? मतलब अभी तक जो लक चल रही है ना, कभी कभी होता बंदे का दिन भी नहीं होता, वाकई ऐसा है। तो आज के साथ दो बड़े झटके एकदम से, एक 60 लाख का, एक 1 करोड़ रुपए का, सोच ले जरा। 23 लाख पे डील करनी है या खेलें आगे 75 लाख के लिए? डील बंद करें, नो डील। ओके नो डील, नो डील। हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस राउंड में खुलेंगे 4 बैग 3 जिसमें से बताने हैं उमैर ने, जैसा कि हमने पहले कहा था, मेरे पे डाल दिया, बड़ा मुश्किल। एक बताना है उस्मान, उस्मान अपना बैग बताओ पहले, इनको बताने वो तो कर रहे हैं, अपना पहले चूज करो, खुलवाऊंगा उन्हीं के पहले। दोस्तों फरीद भाई से नहीं पूछना, मैं बता रहा हूँ तुमको नहीं पूछना, इस बंदे का लक नहीं चल रहा है आज, और ये मानने को तैयार नहीं है। माइक में, माइक में आवाज नहीं आएगी मेरे दोस्त। बैग बैग एक्सचेंज करो सबसे पहले। नहीं नहीं अभी बैग एक्सचेंज कर लो। नहीं इसमें अभी देखो यार 75 लाख लाजमी होगा, पहले 1 करोड़ भी था वो तो निकल गया ना, एक्सचेंज कर लो, मान लो ये बात मान लो, थोड़े बैग और खुलने दो अगर लगता है कि अभी बड़ी गेम पड़ी है, गेम चेंज का मौका है भाई। इस राउंड में 3 बैग्स बताने हैं उमैर ने, 3 बैग, 3 बैगों में से उस्मान 75 लाख निकल, कैसे निकल सकता है वो? रेस्क्यू के लिए आया है, मैं रेस्क्यू के लिए हूं, मैं नहीं निकलने दूंगा आपका। कैसे निकल सकता है? अपना बैग बताओ उमैर, आपने सोचा कोई बैग? मैंने 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 कॉर्नर से जाने ही कुछ सोचे, लेकिन मुझे लगता है कि देखो उस गेम का फॉर्मेट अलग था, उसमें कॉर्नर्स खतरनाक थे। अच्छा, जरूरी नहीं हर में, हर गेम का फॉर्मेट अलग होता है, हर शो का। अब देखो कॉर्नर भी एक खतरनाक निकल गया ना, तो मुझे लग रहा है कोई एक कॉर्नर सेफ भी हो। हाँ अच्छा, अपना बैग आप सोचे, मैंने सोच लिया है, मैं आप बताएं फिर पहले, आप सोचते रहे, चले तीनों बता दूं, तीनों एक एक बताऊं, तीनों एक एक करके बताए। 17 खुलवा दो, खुलवा दे नंबर 17 प्लीज ओपन इट। 3 लाख, वेरी गुड। दूसरा बैग है, सर के साथ चलना चाहिए। अब मेरे ख्याल से कोने में निकाल दिया जो बड़ा निकालना था, वन पे जाते हैं, वन। ओके, यानी वो कॉर्नर जो है ये वाला डर खत्म करते हैं, कोने कॉर्नर वाला डर खत्म करते हैं, वन पे जाते हैं। बुलवा दूं फर्स्ट वाली रो, देखें सबसे छोटे थे कोने पे, कुछ ना कुछ सबसे छोटे नहीं थे भाई, 5 इसी रो में खुला है, फर्स्ट रो में 5 लाख, 5 लाख निकले, 60 लाख निकले, 60 लाख इस साइड से कॉर्नर से निकले, इस कॉर्नर से निकले ना, इस कॉर्नर से भी बड़ा निकल सकता है वैसे, नहीं निकलेगा कहीं, कुछ तो सुन लो लड़कों, लड़का सुन लो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो बात, जितने निकले मैं दे दूंगा, खुलवा लो सर कह रहे हैं तो खुलवा लो उस्मान। नहीं फर्स्ट ठीक है, मैं लीव इट, मानता लीव इट। अच्छा भाई लड़का, तीसरा बैग था, 2 बैग अब आप बताओगे, तीसरा बैग नहीं वो भी नहीं, अब आप 2 बताओ, अब आप तीसरा बैग आपका, आपने मिस कर दिया। हाँ अब आप ही कुछ बताएं, अब आपका तीसरा बैग, बल्कि रुक जाए, मानोगे तो ठीक है वरना नहीं, 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 नहीं मानूंगा, मानूंगा ये एक एक को छोड़ दें, मुझे डर लग रहा है, एक से डर लग रहा है, एक से डर लग रहा है मुझे। अच्छा तीसरा बैग 24 खुलवा दो, 24 है कहाँ, वो सबसे ऊपर, वो आखिर में टॉप नंबर 24 नहीं खुलवा दे, नंबर 24 प्लीज ओपन इट। बिस्मिल्लाह अल्लाह, ये गए आपके 2 लाख। अब उस्मान आपके 2 बैग्स कौन से होंगे? सर आप तो इजीली निकल गए। हाँ अब आपको मैं आपको हिंट्स भी दे रहा हूँ, बचा भी रहा हूँ दोस्त, अब थोड़ा सा हिंट और, अब नहीं मिलेगा, अब आपके 2 बैग्स आएंगे, अब मेरे दोस्त भी तो बैठे हुए हैं ना। हाँ तो पूछे, किसने मना किया है? आप पूछे जिससे पूछना। फरीद भाई आप पे भरोसा मैंने वैसे ही बहुत किया है, अब मत करो तो बेहतर है, अब आप ही बता दो फिर। नंबर 16 नंबर 16 खुलवा दूं, नंबर 16 भाई उनके आपस में दोस्तों में दिल बहुत ज्यादा है। नंबर 7 नंबर 7 इस पे दिल मान रहा है, इस पे दिल मान रहा है, ठीक है खुलवा दूं। नहीं इसने बड़े निकलवाए हैं, अबे तो क्या हो गया यार दोस्त तुम्हारा, क्या दिल कर रहा है
फरीद को छोड़ो। मेरा भी वैसे दिल वही कर रहा था जो आपने बताया अभी। 16, 16, नंबर 16 तो खुलवा दो। बस दो बैग है ना, 16 और 7 दोनों खुलवा लो, फरीद भाई की भी रख लो। क्या हो गया? इनकी रखते रखते काफी लूट चुका हूं। बिजनेस पार्टनर है तुम्हारे यार, आने वाले वक्त फ्यूचर में कुछ लेके जाऊंगा फिर ही बनेंगे ना। अब तुम बगैर इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हो गए ना तुमने यार, इतने पैसे उन्होंने निकलवा दिए। होते दे देगा आपको ये, तुम्हारा एसेट रुक गया। 7 खुलवाता हूं अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप मेरी करवा रहे हो। जल्दी बताओ क्या ना यार, मैं कैसे ऐसे बिजनेस में। 7 नंबर वैसे होता तो कहते तो है, लेकिन मैं हिंट कोई नहीं दे रहा, मर्जी आपकी। मतलब आपकी मर्जी भाई, नहीं बता सकते ना, उन्होंने अपने बैग्स बता दिए। यार मैंने बताया था आपको 7 पे, 7 7 पे क्लिक करो, 16 और 7 पे जाना ही चाहिए। 16 और 7 पे जाएंगे, 7 पे ठीक है। एक बार भी जो बोला गया ना, दोनों लॉक हो गए और दोनों बैग्स खुलेंगे एक साथ। नंबर 7, नंबर 16 ऑन माय काउंट, 3, 2, 1 ओपन। 40 लाख रुपए फरीद भाई ने एक मरतबा और निकलवा दिया और 20,000 रुपए निकलवाया। ये 2 करोड़ का नुकसान खड़े 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने पर हाथ मिलाना चाहता हूँ भाई, मुझसे हाथ मिला लो यार। वेरी गुड, क्या कमाल दोस्त है यार आपका। उस दोस्त से ज्यादा अच्छी दोस्ती इस बंदे की है जिसने 2 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया, उससे भी पूछ रहा है। अब क्या करूं, 1.5 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया फिर भी पूछा जा रहा है। अब तो बैंकर भी हंस रहा होगा, वाकई बैंकर दिल ही दिल में कह रहा होगा उस्मान साहब आप गाइए, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है। आगे हेलो, गलत कर रहे हो वैसे मेरे साथ। ओके भाई, बैंकर को उस्मान साहब लग रहा है कि आपके दोस्तों के हाथों आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो 23 लाख से ऑफर गिर के हो गई है 20 लाख। लो जी ये भी टाइमली ऑफर है, पकड़ लो। अब इससे पहले मैं बताऊं, इसी दफा ये बैंकर ऑफर अब कम करता जाएगा। 20 लाख गेम में अभी भी 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख और 25 लाख मौजूद है। क्या करना है क्या नहीं करना सोचते रहिए, क्योंकि हम ले रहे हैं। वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर। ब्रेक पे जाने से पहले 20 लाख रुपए की डील ऑफर की थी बैंकर ने, उस्मान साहब क्या कीजिएगा? सोचने दे थोड़ा। अरे इतने ब्रेक में सोचा है यार, आप कितना सोचोगे? चार्ट भी तो और भी देखने दे। डील या नो डील? काउंटर चल जाएगा। नो डील, नो डील। दो डब्बा बंद करें जी डब्बा। ओके नो डील, हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप खोलेंगे 3 बैग, तीनों बैग खुलवाएंगे हमारे प्यारे उस्मान भाई। मदद कर दो थोड़ी सी, पिछले राउंड में उमैर ने नंबर 1 चूज किया था और वो आए हैं आपको रेस्क्यू करने, यानी आपको बचाने। तो ये मानते नहीं ये में रखिएगा, पहला नंबर एंड में खोलेंगे उस्मान, 1 पे नहीं जाना। अच्छा 1 में नहीं जाना, एंड में खोलेंगे। ओके खोलेंगे उसको। फरीद भाई ने बिल्कुल सही कहा है, फरीद भाई की बात बचाएंगे अपने लिए और कंपनी के लिए और काम के लिए। यार उसमें थोड़ा ख्याल से बोलो यार, एंड पे खुलवाएंगे कि एंड पे, मुझे उसमें साइड पे नहीं हो जाएगा उस्मान। 23 ट्राई करो यार, 23 ट्राई करो यार, 75 लाख। चले आगे ना, एक मिनट आरिफ भाई को दो आप, आगे भी तो बढ़ाए, 3 बैग्स हैं यार। 23 आ गया, मेरे ख्याल से 15 नंबर ठीक है। 15 भाई, मैंने 3 खुलवाने या 2 खुलवाने? 3 3 खुलवाने भाई। फरीद भाई की सुनोगे ना तो 75 भी निकल जाएंगे। 3 बैग जल्दी से, टाइमर कम है, अगर आज ही कंप्लीट करना ना कल फिर दोबारा आना पड़ेगा। 15 नंबर खुला दे, 15 हो गया ना। ऐसी भाई आप बताओ थोड़ा सबको, एक 23 हो गया, एक 23 हो गया, एक 15 हो गया, 3 बैग हैं। तीसरा बैग बताएं, 8 नंबर, 8 अब आप चूज कर ले इनमें से आपको कौन सा। और मजे की बात, इसमें 1 भी है लेकिन वो आप नहीं करना चाह रहे तो उसे साइड पे करें। नंबर 9 किसकी जगह? मेरी जगह नहीं, नहीं लेकिन उनमें से कोई नहीं मैं उनसे चूज ही नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा, ये एक हो गया। ओ, ये ट्रिक लड़के ने नहीं निकाली, उनसे 4 बैग ले लिए, बोला इन 4 के अलावा 3 खुलवाने। चलो भाई गुड, एक नंबर 9 पे, नंबर 9 और 9 फर्स्ट, एक एक करके नहीं 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 9 9 नंबर 9
नंबर 23 फरीद भाई का पक्का करें फिर भी 923 यार ऐसा दोस्त चाहिए ऐसा क्या दोस्त पाया यार मतलब क्या है तुम्हारा ये मैंने शुरू में इसीलिए पूछा था कि लकी वो तुम्हारे लिए है या तुम उनके लिए अच्छा के लिए तीसरा बताएं तीसरा 923 और 11 923 और 11 चलो जी बिस्मिल्लाह लॉक नंबर 9 प्लीज ओपन इट 1000 वेरी गुड अब बैग्स तो नहीं है लॉक 11 और 23 दोनों बैग्स हो गए लॉक फरीद भाई ने कौन सा बैग बताया 23 इन दोनों बैग्स में से किसी एक बैग में 75 लाख रुपए हैं और अब आप और ये हो गया है लॉक 23 में नहीं होंगे अच्छा मतलब 23 में नहीं होंगे अगले के 75 जा रहे हैं उसमें अफसोस तो कर ले भाई वो अपनी सफाई दे रहा है अपने बता रहे हो यार कि जाने दो बस मेरे में नहीं हो बस वो अपनी सफाई दे रहा है देखा आपने चेंज कर लो चेंज लोग कर दिए हैं डील ले लो डील भी चली गई है तुम अपनी जबान से खुद ही चेंज कर रहे हो अब तो डील भी उस वक्त आएगी जब ये दोनों बैग्स खुलेंगे मुझे मेरे दोस्त सारे याद आ गए यार इनको देख के ऐसे ही थे गलत फसाया था एक में 60 लाख है टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम नंबर तुम तो ऐसे ऐसा और कम पे ही ले आओगे उम्मीद रख के लाया था 1 करोड़ की चले अब हम खुलवाते हैं चले जी 23 खुलवा दूं फिर 23 फरीद भाई को साइड पे करते 23 खुलवा देते हैं फरीद भाई ने बताया 23 नंबर 23 प्लीज ओपन इट 4 लाख अगला बंदा शुक्र अदा कर रहा है वहां पे बैठ के कि मेरे बैग में नहीं निकले ये अच्छा है नंबर 11 प्लीज ओपन इट बड़ा अफसोस आपने चूज किया खुद गए आपके 75 लाख 75 लाख रुपए गेम से चले गए ऑफर भी आ गई है हेलो क्या दोस्त है तुम्हारे वैसे ही है कहाँ से लाए हो साथ में ही खेलते हैं बचपन से साथ में बने ओके तुमने सही बताया मैं भाई साहब स्वान साहब आपका दिन चल रहा है बड़ा अच्छा आपको इस वक्त दिए जा रहे हैं 24 लाख रुपए ले और जाए पीछे चार्ट लगाओ चार्ट 20 थी ना 20 बढ़ गई 24 लाख रुपए बढ़ गए मैंने पहले उतनी देखा कम से बड़ी मतलब के बैंकर को लग रहा है कि हम कुछ अच्छा लेके जा सकते हैं आगे अच्छा रह क्या गया भाई अच्छा क्या है समझ क्या है 24 लाख और 25 लाख तकरीबन बराबर है तो 30 लाख और 50 लाख ये 8 बैग में से तुम्हारे पास सिर्फ 50 लाख बचा है सबसे ज्यादा 30 लाख और 24 लाख देखो 24 लाख में एक ये है 50 में आप एक रिस्क ले रहे हो पता नहीं और सबसे कम कितना रहता है इनके पास क्या इनके पास अभी 25,000 हां तो भाई एक तरफ 25,000 एक तरफ 24 लाख है और एक तरफ तुम खेलना चाह रहे हो 50 के लिए 50 के लिए 8 में से किसी एक बैग में इससे अच्छी ऑफर दोबारा नहीं आएगी अगर खुदा ना खास्ता 50 लाख निकल गए वहां कहीं तो आपके पास ये ऑफर कभी नहीं आ सकती सबसे बड़ी अमाउंट ऑफ 50 ही है ना 50 ही है जो आपके मुताबिक नंबर 1 में जो मेरे मुताबिक अगर आप नोट करते हैं तो एक्सचेंज कर लें अपना नंबर 1 में नहीं है तो नंबर 1 क्यों रुकवाया हुआ है आपने इतनी देर से बस कोने से डर गए कोने से थोड़ा डर ही लग गया क्यों डर रहे हैं क्यों डर रहे हैं देखे कोने वाले मेरे सारे अभी अच्छा चलें आप ये बताएं डील करना चाह रहे हैं 24 लाख में या नहीं नो डील चलें ओके नो डील हम गेम कंटिन्यू करेंगे इस राउंड में आपने उस्मान साहब 2 बैग्स खुलवाने उमैर अभी भी यहीं पर मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए और उन्होंने नंबर 1 बताया हुआ है जब तक नहीं खुलवाते आप तब तक उनका बैग नंबर 1 ही है अगर वो बैग आप खुलवा लेंगे तो अगले राउंड में भी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं जब तक आप वो बैग नहीं खुलवाएंगे अपने दोस्तों के साथ मिलके अपना ही नुकसान करेंगे सोच लीजिए आपको क्या लगता है 1 में 50 लाख है हां 50 तो एक्सचेंज करो क्यों रखा हुआ 21 हां नहीं फिर एक्सचेंज करो क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं आप एक्सचेंज कर लोगे फिर वो बता सकते हैं आपको बैग थोड़े बॉक्स खुलने के बाद अगर आपको लगता था इसमें करोड़ है वो नहीं निकला आपको लगता है 75 है वो नहीं निकला अब आप कह रहे हो उसमें 50 है वो आपको एक्सचेंज की ऑफर भी दे रहे हैं अगर एक्सचेंज करता हूं फिर बता सकते हैं हां फिर बता सकते हैं वन से एक्सचेंज करो और पूछो मैं तो कह रहा हूं एक्सचेंज कर लो वन नंबर से वन से क्या बोलते हो आप लोग एक्सचेंज कर लो सब कह रहे हैं वन से एक्सचेंज कर लो फिर कर दूं एक्सचेंज वन से लो कर लो नंबर ओके नंबर 1 यहां ले आइए नंबर 21 जा रहा है आपने कर लिया अपना एक्सचेंज आपको लगता है 50 लाख रुपए नंबर 1 में है अल्लाह करे ऐसा ही हो
अब हेल्प भी तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अब इस राउंड के दो बैग्स में से एक बैग बताएंगे उमर और एक बैग बताएंगे आप। सोचिए अपने अपने बैग्स। क्या होना चाहिए भाई आपके लिए? फैजी भाई से पूछते हैं। फैजी भाई बताएं। फैजी भाई सोचो। मैं 18 के साथ हूं अभी। 18? मैंने लास्ट में भी 18 कहा था, इस टाइम भी 18 के साथ कहा था। फैजी भाई और आरिफ दोनों के साथ चलूंगा। अच्छा, डिसाइड कर लो। नंबर 15 15 18 और 15 13 पे ट्राई करो। नहीं। चले दो बैग्स अब आप बताएं। आपके पास नंबर्स आ गए हैं 13 15 18 और 15। अब तीन बैग्स हैं आपके पास, जल्दी से दो बैग्स। नंबर 15 नंबर 15 और दूसरा सर बताएंगे ना। चले मैं खुलवा देता हूँ। अगर कोई बड़ा अमाउंट निकला तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि ये बताएं, ठीक है? छोटा अमाउंट निकला तो फिर आप खुद बताइएगा। नंबर 15 प्लीज ओपन इट। ₹50,000। चलो अगला बैग। 50,000 निकला है, आप ही बताओ। मैं ही बताऊं? हाँ, बड़ा अमाउंट निकल जाता तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता आपकी तरफ से। आप कौन सा भाई? 13 ही खुलवा दे। इसमें आप लोगों को लगता है 50 लाख है। 10 नंबर 10 गेम मुश्किल होगी। हाँ तो जल्दी से आसान करें ना। 10 समान 13 खुलवा दे। 13 फैजी भाई 18 वो तो 18 पे 18 हाँ 13 18 13 10 आप क्या सोच रहे हो? बर्थडे कब आती है? बर्थडे मेरी 22 को है। बर्थडे वाला नंबर है यहाँ? चला गया आपके बर्थडे हो गए। 22 चला गया। 18 ही कर लो। 18 कर लो फिर। 18 कर दो। अच्छा 18 कर ले। लो डन। ओके नंबर 18 प्लीज ओपन इट। 30 लाख रुपए चले गए। 30 लाख भी चले गए। अब आपके पास जो अमाउंट है उसमें 50 लाख और उसके बाद 25 लाख। 30 लाख का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना अमाउंट भी गया। नन्ना मुन्ना नहीं, काफी बड़ा। मैं जरा थोड़ा सा तंग भी होता है ना यार। हाँ हेलो ओके। अब आपके पास उस्मान साहब क्या क्या अमाउंट रखा हुआ है जरा देखिए सामने और बताइए मुझे। बड़े बड़े अमाउंट में से 50 लाख है। हाँ और 25 लाख है। 25 लाख यानी अगर आपके पास 50 लाख ना हुआ तो आप यहाँ से 25 लाख ले जाना चाहेंगे? ऐसा ही है। 25 लाख 50,000 रुपए लें, छोड़े गेम कर लें। 25 लाख 50,000 ले ले भाई। तो ले उस्मान सिविक को। 25.5 लाख। फरीद भाई से पूछ लेते हैं, अगर वो कहते हैं नहीं लेनी तो डेफिनेटली ले लो। फरीद भाई क्या कहते हैं? ले लो, अब डील ले लो। ले लो, फरीद भाई ने कह दिया ले लो। उमर आपको क्या लगता है, डील लेनी चाहिए? डील लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? चार्ट लगाएं जरा, जब तक चार्ट दिखाते हैं हम इनके दोस्तों को। 6 बैग्स बाकी हैं यार। मेरे ख्याल से मेरे से पूछे ना। हाँ, जिस तरह से शुरू से अभी तक अनलकी चल रहे हैं। हाँ, ये बैंकर मैंने इतना जेनरस पहले नहीं देखा। आज बहुत पैसे दे रहा है बैंकर। वो असल में उन्होंने बताया ऐसा है कि वो एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अच्छा, आईटी का। अगर उन्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिली उनके हिसाब की तो अच्छा है और लोगों का फायदा होगा। तो फिर बैंकर तो बहुत आपके साथ कर रहा है। मेरी नजर में, मेरी नजर में बहुत अच्छी डील है, लेनी चाहिए, कंसिडर करें क्योंकि लक बहुत बुरी चल रही है और जना ऑड्स आपके अगेंस्ट बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उमर को लग रहा है आपको डील करना चाहिए। 6 बैग्स हैं, चलें मैथमेटिकली देख लेते हैं ना। 6 बैग्स हैं, किसी एक बैग में 50 लाख, कितने परसेंट चांस है कि आपके पास वो एक बैग है? 15%। ऐसा ही है ना? ज्यादा। और 85% आपके पास वो 50 लाख नहीं है। अगर वो 50 लाख आपके पास नहीं होते, वहाँ कहीं निकल जाते हैं, तो आपके लिए 25 लाख सबसे बड़ा अमाउंट है जी। तो 25.5 लाख मिल रहे हैं भाई, ले लो। 50 लाख भी तो निकल सकते। 25.5 लाख 100% आपको मिल रहे हैं। 50 लाख 15% आपको मिलेंगे अगर आप एंड तक खेलते हैं। चांसेस तो देखो कितने कम है। 15% चांसेस है कि आपको 50 लाख मिले। क्या पता एंड में 50 लाख और 25,000 रह जाए और आप बैग एक्सचेंज कर लें, आपके पास 50 लाख हो ऑलरेडी और आप वहां भेज दें, या वहां 50 लाख हो और आप यहां ना मंगाएं।
फिर क्या करना चाहिए? 1 करोड़ निकल गया यार उसमें, 75 भी निकल गया। 25,50,000 मान साहब, बताओ डील ले लो। ऐसे ना ये भी चली जाए, अरे ये भी ना चली जाए, डील ले लो उस्मान। देखो 50 लाख गए तो 25 लाख ले जाने तुमने यहाँ पे कम से कम, ठीक है? रिस्क बहुत बड़ा है, 25,000 भी गेम में है और लक भी बुरा चल रहा है, लक भी बुरा चल रहा है। अगर 50 भी निकल गया तो पीछे क्या बचेगा? हाँ 25 बचेंगे और 25.5 आपको मिल ले लो। काफी बुरी गेम हमारी हो चुकी, 25,50,000। इतनी बुरी गेम के बावजूद बैंकर ने आपको बहुत अच्छी ऑफर की, क्योंकि आपकी कॉज बड़ी नोबल है। सामान ले लो। पहली बार मैं भाई फरीद से एग्री करता हूँ, मैं भी करता हूँ कि आप ले लें ऑफर। डील अभी तक वैलिड है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, तब तक आप सोचिए। वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर। और ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान साहब के पास ऑफर थी 25,50,000 की, फौरन बताइएगा वेरी क्विकली क्या करेंगे, डील और नो डील? बंद कर दीजिए डब्बा, इट्स अ नो डील, इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू करेंगे और अल्लाह करे कि आप यहां से ज्यादा इनकी, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब आखिरी बार आपसे पूछूंगा, आपने बैग एक्सचेंज करना है? नहीं। 4 बैग बताएं कौन से खुलवाओं? एक साथ? जी एक साथ खुलेंगे, एक साथ खुलेंगे। एक एक मैंने आपको पहले बताया, जब आप बैंकर की इतनी जेन्युइन डील को रिफ्यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा तो बिथकेगा। एक एक करके नहीं खुल सकते? 4 बैग्स, कोई भी एक बैग जो आपको नहीं खुलवाना बता दीजिए, बाकी 4 मैं खुलवा दूंगा। खुद पहुंचे हो यहाँ सावा। इसमें एक बैग उमैर बता सकते हैं और वो है नंबर 1। एक्सचेंज कराओ और खुलवा लो, खुश रहोगे। कौन सा बैग नहीं खुलवाना? अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं उस्मान, 60 सेकंड्स का टाइमर लगा दीजिए और उसे एक्टिवेट भी कर दीजिए। चलिए 8 को छुड़वा दो उस्मान, 8 को। अगर आपने एक बैग नहीं बताया आने वाले 50 सेकंड में, तो कोई भी एक बैग जो के बचना चाहिए वो हम खुद सेलेक्ट करके बाकी 4 खुलवा देंगे। 8 को छोड़ के दोबारा खुलवा लो उस्मान, बाकी 4 जो 25 सेकंड्स। एक मेरा, एक आपका है, कोई एक बैग वहां से बचा लीजिए ताकि आप बच सके। 20 8 को छोड़ के बाकी 4 खुलवा दो। वो कह रहे हैं 8 को छोड़ के, 15 सेकंड मानी थी, थोड़ा स्लो कर लें सर, किस तरह घड़ी चल रही है, 10 सेकंड, वरना हम ऑडियंस से पूछेंगे आपकी राय नहीं लेंगे। 8 को छोड़ के बाकी खुलवा ले। ओके, नंबर 10 खुलेगा पहले, बल्कि एक मिनट रुक जाएं, 8 हो गया है लॉक, बाकी 4 खुलने हैं। उमैर बताइए कौन कौन से बैग खुलवाए जाएं पहले, एक एक करके आप खुद खुलवा दें। खैर अब तो आपने खुद फैसला कर लिया है तो मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चलें शुरू करते हैं। नंबर्स आपने सारे खुद सेलेक्ट किए हैं। 13 ओपन, 7,50,000 गए। अगला 20 20 25,000 भी गए। 10 2,50,000 25,000 2,50,000 और 7,50,000 गए। 21 25,00,000 भी गए। वेरी गुड, 50 पीछे। अब क्या करेंगे? ऑफर ले बैंकर, टेंशन नहीं लो उस्मान, ऑफर लेके चेक कर, ऑफर ले, ऑफर ले लेते हैं, दुआ करते हैं बैंकर की कॉल आ जाए। 50,00,000 तो वाकई आपके बैग में निकला है, ये तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ लग तो ऐसे ही, नंबर 1 में ही 50,00,000 है, नंबर 1 में ही 50,00,000, हमें भी लग रहा है। कोई तसल्ली दें तो दे तो रहे हैं, अब तो हमें भी लग रहा है। नंबर 1 बैंकर दिया गया, बैंकर की डील, बैंकर की डील पे पता चलेगा। हमारी बात सुन रहे हैं सर बैंकर, हम नहीं करें बैंकर की बात, हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ होस्ट को कॉल करते हैं। चांसेस हैं, काफी चांसेस, थोड़े बहुत। ओके, ऑफर आपकी थी 25,50,000 की जी,
अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे आपके बैंक में 50 लाख हैं तो बैंकर ऑफर बढ़ाएगा, आपने 50 लाख बचाएगा, है ना? बैंकर को भी ऐसा ही लगा, इसलिए आपको ऑफर दी जा रही है 5,25,000 रुपए लें। क्या बोला था मैंने आपको? भी नहीं, घर जाए। उनसे कह रहा था ना पिछली ऑफर ले लो, अब ऑफर और कम हो गए, अब ऑफर हम ले नहीं सकते। तो 50 लाख तो बाकी है ना वो रेस के बैग में, तो अब कंटिन्यू करो उस्मान, अब ऑफर लेने का फायदा नहीं है। हाँ भाई, पीछे ये अगर 50 लाख के अलावा और कितनी अमाउंट पड़ेगी? 75,000। तुम्हारे बैग में 75,000 भी तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको तो लग रहा है ना इसमें है ना 50 लाख, 100% वन में 50 लाख भाई, नो डील करो, खुलवाओ, खत्म करें, माने दोस्तों की बात, यहाँ तक आई गए हैं तो बस अब जहाँ तक इतनी मान ली दोस्तों की वहाँ खत्म करें। नो डील, नो डील, नो डील, नो डील, बंद करो, नो डील, बंद करें। वेरी गुड, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वन या एट? वन मेरा, वन आपका है, एट खुलवा दूँ? ओके लॉक जी। तो उमेर ने आपको कितना पहले ये बात कह दी थी कि आप वन खुलवा लें? बहुत पहले। और आपने वन चूज किया, एंड मोमेंट पे आपके पास सिर्फ दो बैग थे, एक में 75,000 और एक में 50 लाख। आपको क्या लगा क्या उमेर 50 लाख रुपए खुलवाएंगे, जो आपको रेस्क्यू करने आए, जिनका काम है आपको रेस्क्यू करना? फिर आपको और आपके दोस्तों को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे कि वो आपको 50 लाख का नुकसान करा के आपके कबूतरों के बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं? कमाल हो गया आज, चेंज कर लो, हो ही नहीं सकता, अब हो गया, चेंज कर लो उस्मान, चेंज कर, अब लॉक हो गया, अब लॉक हो गया, लॉक, एक चांस दे दे। कैसे? इतने तो दिए, लास्ट में इतने हिंट दिए, इतने बस चले, अभी डब्बा खुला नहीं है, अभी डब्बा खुला नहीं, अब तो डब्बा नहीं, अभी तक डब्बा खुला नहीं है, लेकिन डब्बा एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो दुआ कर सकते हैं खुलेगा आपका डब्बा, अभी भी वन पे ही उस्मान, वन ही है ना, तो फिर एक काम करते ना, एट को नहीं खुलवाते, वन को ही खोलते हैं और देखते हैं आप यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। क्यों, ऐसा ही है? ओके भाई, जाने से पहले मैं ये बता दूं कि उमेर साहब आपको ऐसे दोस्त नहीं मिले ना? नहीं। हाँ, लेकिन मेरी तो दुआ है कि ऐसे दोस्त किसी को भी ना मिले। वाकई दोस्तों बुरा ना मानिएगा, लेकिन आप लोगों ने जो अपने दोस्त के साथ कर दिया है, अब बिल्कुल भी इसमें गुरूर नहीं आने वाला, बिल्कुल ये लड़का मगरूर नहीं होगा, ज्यादा पैसे आने की वजह से आप लोगों के साथ ही रहेगा और उसी लेवल पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये शख्स जीत के ले जा रहा है 75,000। दोस्तों क्या बोला था मैंने, 50 लाख रुपए वो रहे, खोले उसे एक बार देख लें, 50 लाख रुपए करीब से इत्मीनान से, एट छुड़वा के बाकी चारों खुलवाए थे, तो एट का फायदा भी तो उठाते, 50 लाख वो रहे। एक के साथ रहेंगे, एक के साथ रहेंगे, मैं पहले क्यों नहीं मानी मेरी बात। चलो उस्मान साहब, आपने अपने दोस्तों के लिए आज सब कुछ लुटा दिया, इस पर तालियां बहुत सारी, 75,000 रुपए आप ले जा रहे हैं, इसकी भी नई कढ़ाई खिला दीजिएगा, ठीक है ना? अकदार भी इसी के हैं। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं है, आप चिल करें, रिलैक्स हो जाएं, मजे करें। उमेर, थैंक यू सो मच, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मेट को समझें। मैं आपको रेस्क्यू करने आया, मैं आपका कभी नुकसान नहीं करूँ। बिल्कुल नाजर, आपने देखा कि जो आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पाकिस्तान स्टार के जज, वो आपकी भलाई के लिए आ रहे हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं। तो जो वो मशवरा दे रहे हैं प्लीज उसे सुने, क्योंकि उसमें आप रेस्क्यू का मतलब क्या है, यही है भाई कि वो आपको बचाने आए हैं। तो नेक्स्ट जो भी हमारे स्टार प्लेयर आए, प्लीज अपने जहन में ये बात रखिएगा कि अगर आपके जज ने आपको बताया, आपके मेंटर ने आपको बताया है कि आपने ये बैग खुलवाना है तो खुलवा लें, और कहा ये नहीं तो नहीं। अब देखते हैं अगला स्टार प्लेयर कितने पैसे यहां से ले जाता है। उस्मान साहब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सारी तालियों में इन दोनों को हम करेंगे गुड बाय, और आप चलेंगे इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।